डेली मिरर में आपका स्वागत है। मैं सोनाली, आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। अवैध हथियार बनाने के ठिकानों पर छापेमारी, उपकरण के साथ 5 व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला मुंगेर धरारा थाना क्षेत्र का। मुंगेर के धरारा थाना क्षेत्र में गोबर प्लांट चलाने की आड़ में अवैध हथियार बनाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आज हथियार के साथ गोबर प्लांट के मालिक गुलाब सहित 5 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। डीआईजी मनु महाराज ने बताया कि धरारा थाना क्षेत्र में गोबर प्लांट मालिक गुलाब द्वारा प्लांट के अंदर अंडरग्राउंड में अवैध हथियार का निर्माण किया जाता था और निर्मित हथियार को हथियार कारोबारी के पास 25,000 से 30,000 रुपए में हथियार को अपराधी और नक्सलियों के बीच बेचने का कार्य करता था। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस की स्पेशल टीम ने छापेमारी कर गोबर प्लांट मालिक गुलाब गोपाल कुमार, राजू कुमार, फैयाज मोहम्मद असलम को एक पिस्टल, 12 अर्धनिर्मित पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के द्वारा हथियार तस्करों और नक्सलियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाल में धरारा थाना अंतर्गत पुलिस के द्वारा रेड की गई, जिसमें भारी मात्रा में निर्मित और निर्मित हथियार और कारतूस और हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया है। ये नक्सल एरिया पड़ता है और यहाँ से 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इसमें मुख्य बात यही है कि एक व्यक्ति गुलाब सिंह नाम के, जो गोबर गैस प्लांट खोले हुए थे, उसी में वो हथियार का अपना जो है फैक्ट्री चला रहे थे। उनसे विशेष पूछताछ की जा रही है और आगे हम लोगों को कई सूत्र मिले हैं जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं गया है, जिसमें मिनी गन फैक्ट्री है, आप उसको कहोगे कि हथियार बनाए जाते थे और काफ़ी लंबे समय से वो बनाए जा रहे थे। तो कहाँ कहाँ उसकी डिलीवरी हुई, कब से बन रहा था, कौन कौन इसमें संलिप्त है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए डेली मिरर को सब्सक्राइब करें एवं हमेशा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।